हाय, गुड आफ्टरनून। मैं हूँ आपकी जैसी रानी। लेकिन ये जो सपना है ये पूरा होगा, लेकिन इसके पूरे होने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और उसी को समझते हुए मैं लेकर आई हूँ आज वेडनेसडे वेलनेस, जिसमें मेरे साथ मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं एक मुंबई में प्राइवेट डॉक्टर हूँ। लास्ट 20 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस एज अ फैमिली डॉक्टर कर रहा हूँ, और पिछले 1.5-2 महीने से मैं कोविड वार्ड में एज अ वॉलंटियर डॉक्टर भी काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर, क्योंकि हम घर के अंदर हैं, हमें जो न्यूज़ और सोशल मीडिया पर पता चल रहा है वही पता चल रहा है, आप वहाँ फील्ड में हैं, तो एज अ डॉक्टर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? यस, सो बेसिकली मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन यही हो रहा है कि जो लोग आ रहे हैं, जो सीरियस लोग आ रहे हैं, जो सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं, वो उनका सबका कॉमन हिस्ट्री ये है कि वो लोग काफी लेट आ रहे हैं। मतलब वो लोग पहले दूसरे दिन बुखार आता है, फिर पैरासीटामोल लेते हैं, फिर एक हफ्ता इधर उधर की दवाइयाँ मेडिकल से लेते हैं, और फिर 5वें-6वें दिन के बाद जब सीरियस हो जाते हैं तो पैनिक हो जाता है। तो ये एक चीज कन्वे करना बहुत जरूरी है कि डरना नहीं है, और अगर बुखार आता है तो दूसरे या तीसरे दिन तुरंत चेकअप, कोविड टेस्ट कराने के लिए चला जाना चाहिए। तो दैट इज वन थिंग जो सबको जाननी जरूरी है। और दूसरी बहुत अच्छी चीज ये है कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि 60 के नीचे वाले जो लोग हैं, जिन्हें बाकी कुछ ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, ओबेसिटी नहीं है, तो उनको बहुत ही जल्दी रिकवर हो रहा है। मतलब 3-4 दिन में उनको ठीक हो रहा है, मतलब वो नेगेटिव भी तुरंत हो रहा है, मतलब 6-7-8 दिन में वो तो नेगेटिव हो जा रहे हैं। उनको इनफैक्ट नई गाइडलाइंस के हिसाब से गवर्नमेंट ने भी अभी देखा है कि 10 दिन में विदाउट टेस्ट हम उनको डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है, पहले क्या था कि जो पॉजिटिव आते थे उनका हम लोग 10 दिन में दूसरा रिपोर्ट निकालते थे, फिर नेगेटिव करते थे, आता था तो उसको डिस्चार्ज देते थे। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन नहीं है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी कॉन्फिडेंट है कि कोई दूसरा टेस्ट करने की जरूरत नहीं, 10 दिन पेशेंट को आइसोलेट करेंगे और 11वें दिन छोड़ देंगे, और उसको नेगेटिव रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज कॉन्फिडेंस आ गया है कि 10 दिन में वायरस अपनी बॉडी में ऑटोमेटिकली मर सकता है, मर जाता है। हर रोज बढ़ते हुए नंबर्स देखकर मेरा भी मन डोलता है। ये बात भी समझ आती है कि हाँ, हमारे चैलेंजेस दूसरी कंट्रीज के मुकाबले थोड़े से अलग हैं, लेकिन फिर भी रीज़न क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं केसेस स्पेशली इन महाराष्ट्र, ये आज मैं जानने की कोशिश करूंगी, जो आज मेरे साथ एक्सपर्ट हैं जी, जिनके साथ मैं लेकर आई हूँ वेडनेसडे वेलनेस। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है और आप मुझे सुन रहे हैं बिग FM पे। ऑन ग्राउंड नंबर बढ़ रहे हैं बिकॉज महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। स्पेशली जो मुंबई के आंकड़े हैं आप देखेंगे तो वो बढ़ने बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि मुंबई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जो मार्च में जब लॉकडाउन हुआ उसके पहले 15 दिन में, मतलब 15 मार्च से 20 मार्च 25 मार्च तक काफी टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट मुंबई में ही आए थे। तो यहाँ पे नंबर आंकड़े ज्यादा होने का बहुत एक्सपेक्टेड था, पहले से अंदाजा था। वो नंबर से लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। जो चीज अच्छी चीज हो रही है कि वो रिकवरी रेट हमारा मुंबई का भी अच्छा हो रहा है, बढ़ रहा है, और इंडिया का भी बढ़ रहा है। और ज्यादातर केसेस जो मेरे नजर में आए हैं 1.5 महीने में, मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है, यंगस्टर्स जो है ज्यादातर जो पॉजिटिव भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई बड़ी बीमारी या बड़ी कुछ दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब 1-2 दिन का बुखार या 4-5 दिन की खांसी हो रही है और वो ठीक भी हो रहे हैं। ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट भी हमको देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। रेगुलर फूड और आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहेगी तो आपको कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज जो हमको देखनी है, जो हमारे बुजुर्ग है या कमजोर लोग है या जिनको पहले से डायबिटीज है, मोटापा है, या फिर ब्लड प्रेशर है, या और कोई फेफड़े की बीमारी पहले से है, तो उनको तुरंत ही मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अगर उनको बुखार आता है, बुखार एक बहुत बड़ा लक्षण है, क्योंकि देखा गया है पूरी दुनिया में कि 88% कोरोना पॉजिटिव लोगों को बुखार आता ही है। तो ये एक लक्षण को हमको इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई किसी को भी बुखार आता है तो समझ के चलिए कि मुझे कोविड है, और बिहेव भी अपने को ऐसा ही करना है कि भाई हमें टेस्ट कराना है दूसरे या तीसरे दिन पे, और हमको आइसोलेशन में रखना है। कोई नए कदम उठाए जा रहे हैं? BMC ने अभी थोड़े दिनों पहले ही एक फॉर्म बनाया है, जो वो लोग हरेक बिल्डिंग में, चौल में, सब जगह पे शेयर कर रहे हैं। स्पेशली जो बिल्डिंग के चेयरमैन सेक्रेटरी है उनके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें बिल्डिंग के हरेक मेंबर का नाम, उसका एज, उसको क्या बीमारी पहले से है वो, और करंट उनका टेम्परेचर, थर्मोमीटर का टेम्परेचर, और SpO2 मतलब खून में ऑक्सीजन की मात्रा, जिसको देखने के लिए एक स्पेशल मशीन की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं पल्स ऑक्सीमीटर। तो अगर मार्केट में 1500 से 1800 रुपए का मिल जाता है, और टेम्परेचर चेक करने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी मिलता है जो 4-5 हजार का मिलता है।
तो हर एक बिल्डिंग को अपने खुद के मेंबर्स की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ज्यादा खर्चा नहीं है। सोसाइटी अपने लिए एक कॉमन पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मोमीटर ले सकते हैं और हर एक मेंबर्स का स्क्रीनिंग करके वो फॉर्म में भर के बीएमसी के साथ उन्हें शेयर भी करना है। तो ये एक स्क्रीनिंग मेथड अगले कुछ महीनों तक ये सोसाइटी में ऐसे ही सामने से हमको करनी है। तो हम भी हमारी सोसाइटी की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि भाई हमारे जो 100 मेंबर है 200 मेंबर है उनका हेल्थ का जिम्मेदारी हमारे हाथ में है और हम खुद ही उसको टेस्ट ये 2-3 मशीन से अपने आप कर सकते हैं, उसमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। ऑलराइट, कुछ और नई गाइडलाइंस आई हैं इस लॉकडाउन को लेकर और इस वायरस को लेकर जिसे ना सिर्फ समझना बल्कि उन्हें फॉलो करना भी बहुत जरूरी है? आता है आपको नए गाइडलाइंस क्या कहते हैं? जो नई गाइडलाइंस अभी आई है उसके हिसाब से कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जो है उसको 10 दिन के लिए हम आइसोलेशन में रखते हैं और ये गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपको 3 दिन तक बुखार नहीं आता है और तो आपको 11वें दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद के 7 दिन आपको घर पे रहना है इन क्वारंटीन। सो टोटल 17 दिन का जो आपका टोटल आइसोलेशन और क्वारंटीन का पीरियड ये नई गाइडलाइन के हिसाब से है। तो ये एक चीज अभी फिलहाल थोड़े दिनों पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज की है। और बाकी जो आपने पूछा ट्रैवल के लिए, तो जो ट्रेन बसेस या एयर ट्रैवल्स जो स्टार्ट होंगे उसमें वही रूटीन, हमारे हैंड हाइजीन फेस हाइजीन हमको फॉलो करना है, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे बोलते हैं वो फॉलो करना है। कोई भी कॉमन चीज है उसे टच करने से पहले 10 बार सोचना है। अपने पास हमेशा सैनिटाइजर रखना है। लोग मैंने देखा है ग्लव्स पहन के घूमते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो इनफैक्ट ज्यादा डेंजरस है। तो कॉमन प्लेस में पब्लिक प्लेस में ग्लव्स की कोई जरूरत नहीं है, उससे अच्छा है कि हम अपना हाथ घड़ी घड़ी सैनिटाइजर से क्लीन करते रहे और कॉमन सरफेसेस को टच करने से पहले हम सोचे 2 बार। तो ये थोड़ा, और मास्क पहन के रखना जरूरी है बाहर जैसे ही आप जाते हो और वो कंपलसरी भी हो गया है ऑल इंडिया लेवल पे। तो ये थोड़े बहुत गाइडलाइंस जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फॉलो करनी जरूरी है। लॉकडाउन का 4th फेज चल रहा है एंड मुझे लगता है इसके बाद भी और फेजेस आएंगे, स्पेशली अगर मैं मुंबई में कहूँ तो। लेकिन क्या लॉकडाउन के बाद भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको लगता है कि जरूरी रहेंगे? यस, अगले कुछ महीने या साल एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर अपने सोसाइटी है बिल्डिंग है तो पहले तो जो गेट की जो एंट्री है वहां पे ही सैनिटाइजर अगर होगा तो ये एक अच्छा शुरुआत होगा कि जो भी आदमी मेड हो या फिर डिलीवरी बॉय हो या कोई भी हो तो बिल्डिंग में एंट्री करते पहले ही अपने जो हाथ सैनिटाइजर से क्लीन करे, क्योंकि यही व्यक्ति लोग आगे अंदर आके फिर लिफ्ट भी यूज करेंगे या कॉमन प्लेस भी यूज करेंगे और ज्यादातर सब जगह पे हाथ लगता है तो वो ही सबसे ज्यादा संक्रमण का कारण है। तो अगर उनके हाथ क्लीन रहेंगे तो ये सोसाइटी के अंदर वायरस आने के चांसेस सबसे कम हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर मेड आपके घर में भी आ रही है तो मेड अपना मास्क लगा के आएगी, घर पे आते ही वो साबुन से पहले हाथ धोएगी। बाकी मेड को भी हमको एक थोड़ा पहले से बता देना जरूरी है कि अगर उसको सर्दी खांसी या बुखार है तो उसे एक बता देना है कि उसका पगार वगैरह नहीं कटेगा, लेकिन उसको थोड़ा सामने से हमें बता देना चाहिए वो, क्योंकि कई बार क्या होता है डर की वजह से कि नौकरी की डर की जाने की डर की वजह से लोग आ जाते हैं काम करने से बंद नहीं करते, तो वो हमें एक ट्रस्ट दोनों के बीच में मेड हो या फिर कोई भी घर के काम करने वाले लोग हो तो उनके साथ शेयर करना है कि डरो मत, आपका पगार नहीं कटेगा लेकिन आप अगर बीमार हो तो मत आइए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये थे डॉक्टर भट्ट जो इस कोविड की लड़ाई में हमारी मदद कर रहे हैं और बता रहे थे कि क्या क्या हालात हैं बाहर और कैसे इन हालातों से लड़ा जा रहा है। ऑलराइट, सुनते रहिए बिग एफएम, आगे शुरू करूंगी गुपचुप गॉसिप।